तो ये जो है आज बात करेंगे, जो कल बात करी थी ना किस पे, क्लोजर पे, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, मैं अब ध्यान ये रखना कि जैसे जैसे पुराना टाइम मतलब जैसे जैसे नया आ रहा है ना, तो चीज़ें भी बदल रही है। मतलब पहले जो था ठीक था, सबको पता था कि यार ये सिलेक्टेड चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अब मैंने कहा तुमको कि कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन के हिसाब से फिर वो आपका लेवल भी बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। तो जैसे कि क्लोजर हो गया, इक्विवेलेंस क्लास वाला, तो अब इसकी संभावना आने की काफ़ी रिलेशन है। अभी तक तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से बाहर नहीं जाते थे, अभी भी बन सकता है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास और क्लोजर ऑफ आर का रिलेशन का जो क्वेश्चन है उसकी भी बहुत ज्यादा संभावना है। तो क्लोजर तो मैंने कल बता दिया था कि भाई सीधी सी बात है, जिसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का अच्छा नॉलेज होगा वो क्लोजर भी कर लेगा। क्लोजर का मतलब है कि मैंने कहा था रिलेशन को क्लोज करना है, तो क्लोज मतलब जब आप मुसीबत में फंसे हो तो आपकी मदद कौन लोग करेंगे, तो आपकी मदद अपने लोग करते हैं। तो मतलब वो एलिमेंट, वो ऑर्डर पेयर जो उस रिलेशन को कंप्लीट करते हो, और मिनिमम होनी चाहिए, ऐसे नहीं बहुत सारे जोड़ दिया आपने, मिनिमम जोड़े हैं, समझ रहे हो, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, वो क्लोजर हो जाता है। क्लियर है? तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत स्पेसिफिक रिलेशन है इक्विवेलेंस क्लासेस का, तो इसको जो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये, मतलब काफी तुम्हें ऐसे भी हेल्पफुल है और पढ़ाने वालों के लिए भी हेल्पफुल है और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो ध्यान से समझना, आज का जो टॉपिक है इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो यह है इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस, दो मिनट शायद कोई जुड़ना चाह रहा है, मैसेज आ रहा है। तो देखो इक्विवेलेंस क्लासेस है, तो इक्विवेलेंस क्लास का जो मतलब है, आप इसको जरा ध्यान से समझना। देखो नाम मैंने कहा ना, वैसे मैथ्स के अंदर जो नाम रखे हैं वो बहुत सोच समझ के रखे हैं, ऐसे नहीं रखे हैं जैसे क्लोजर ऑफ आर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब ये इक्विवेलेंस है, तो तुम्हें पता ही है कि मैथ्स में इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट जो वर्ड यूज करते हैं ना लोग, इक्विवेलेंट वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, हम काफी यूज करते हैं मैथ्स में, और खासकर सेट में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? सेट में यूज करते हैं कि जैसे मान लो जिनका कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेम होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो उन सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। लेकिन अगर कार्डिनल नंबर भी सेम है और वैल्यू भी सेम है तो फिर वो इक्वल सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल सेट हो जाता है। तो हाँ, इक्वल सेट के लिए शर्त ये होती है कि कार्डिनल नंबर भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट के लिए ये कंडीशन होती है कि सिर्फ आपका कार्डिनल नंबर सेम हो, जैसे मतलब तीन एलिमेंट एक में हो, तीन एलिमेंट एक में है, तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, पर इक्वल सेट नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ता है? सेट का कार्डिनल नंबर तो सेम हो, साथ में उसकी वैल्यू सेम हो। तो इक्विवेलेंस क्लासेस का जो संबंध है ना, वो सीधा सीधा किससे है? इक्विवेलेंस रिलेशन से है ना, जैसे हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फिर पढ़ा हमने इक्विवेलेंस क्या है, रिलेशन। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना आपके पास, उससे आएगा आपका इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये समझ लो कि इक्विवेलेंस क्लासेस आप तभी निकाल सकते हो जब रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो क्लासेस नहीं निकलेंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब सीधी सी बात है, इक्विवेलेंस क्लासेस वहां निकलती है जहां रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, रिलेशन को सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, और रिलेशन को ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, इसको ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको समझते हैं ऐसे करके। जैसे मान लो तब इसी डेफिनेशन पे तब आएंगे, पहले इस एग्जांपल को समझेंगे हम लोग। जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है मेरे पास, है मान लिया ये सेट ए है, और इसी को मैंने क्या किया कि जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई सेट है मेरे पास, सेट ए है मेरे पास, ये है मेरे पास 1 2 3, है ना, सेट मेरे पास क्या है 1 2 3, क्लियर है? तो ये हो गया साहब 1 2 और 3, ठीक है? तो मैं ए से ए पर ही डिफाइन कर रहा हूँ मान लो रिलेशन, तो ये आएगा 1 2 3, क्लियर हो गया? ए से ए पर डिफाइन कर रहा हूँ रिलेशन को। तो अब मैंने कहा कि रिलेशन मैंने तुम्हें यहाँ पर दिया कि आर आर जो है सच दैट ए बी इस तरीके से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ कि ए प्लस बी इज इवन नंबर, ए प्लस बी इज इवन नंबर, है ना। ये रिलेशन ऐसा डिफाइन करा हमने कि ए और बी का रिलेशन इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कि ए प्लस बी क्या है आपके इवन नंबर, है ना, क्लियर हो गया? तो अब जरा ध्यान से समझना, अगर ए प्लस बी इवन नंबर है तो जो ये वन है, ये वन किसके साथ जा सकता है, ये वन वन के साथ जा सकता है, क्योंकि वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू। हाँ, अब वन जो है वो थ्री के साथ भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा समझो ना, आर जो लेंगे हम, आर आर का मतलब हो जाएगा 1, 1, एक भी आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 1, 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा? 1, 3 भी क्या होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है, लेकिन 1 का 2 के साथ नहीं जुड़ पाएगा ना, 1 जो है 2 के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो 3 क्या है, ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। अब 2 पे आया तो 2 जो है 1 के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो 2 किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ जुड़ेगा, 2 किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ, तो 2 किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। 2 3 के साथ जुड़ेगा, 2 3 के साथ, अरे 2 3 के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि बात कर रहा हूं मैं अभी, पहले 2 3 के साथ नहीं जुड़ेगा, फिर अब 3 आया तो 3 किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ जुड़ेगा, 3 किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ, तो यानी 3 1 के साथ जुड़ेगा, क्लियर हो गया। और फिर 3 को किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, 2 के साथ जुड़ेगा नहीं, पर 3 अगर 3 के साथ जुड़ेगा तो भी 6 आता है, तो भी इवन नंबर बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकल सकती है, समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा कि हमारा सेट क्या था, हमारा सेट था ए, सेट था हमारे पास 1 2 3, राइट, और रिलेशन आर आया आपके पास, रिलेशन आर आया आपके पास 1 1 1 3 2 2 और 3 1 3 1 और 3 3, राइट, क्लियर हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि इसमें 1 1 भी है, इसमें 2 2 भी है, और इसमें 3 3 भी है, ठीक है। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की, अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड बी है तो दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड ए, क्लियर है? तो देखो 1 रिलेटेड 3 है तो 3 रिलेटेड 1 भी है, ठीक है? अरे 1 रिलेटेड 3 है तो 3 रिलेटेड क्या है, 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया कि नहीं हो गया, सिमेट्रिक भी ओके हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, अब किस पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी। सो इफ दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, ये कह रहा है अगर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, अगर होगा देन क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो ए रिलेटेड टू बी मतलब समझो इसको कैसे करेंगे हम, ये 1 रिलेटेड टू 3 है ना, 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 1, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 रिलेटेड टू 1 आ रहा है, ठीक है, समझ में, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1, तो ये क्या आ गया, 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है।
ठीक, मतलब अभी ऐसा समझो, अभी तो वैसे ही मैं एक आपको कह रहा हूँ, वो तो जो देगा आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए, तो वो तो आपको क्या देगा, इक्विवेलेंस रिलेशन देगा ही देगा, समझ रहे हो? मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी किसकी, जो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा वहाँ तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तुम्हें अगर वो कहेगा पेपर में कि यार इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो ऑटोमेटिकली पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस पूछी तब जाएगी, तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है? तो वो तो अभी हम जनरली इसको चेक कर रहे थे, तो यह आएगा, तो इसमें वन रिलेटेड टू थ्री, ए रिलेटेड टू बी और मान लो बी रिलेटेड टू सी, ठीक है? तो इसके लिए क्या हो गया, वन रिलेटेड टू वन आना चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे पास है, वन रिलेटेड टू वन हमारे पास है, ठीक है? या कुछ और दिख रहा है, और तो नहीं ना कुछ इसमें और जो कुछ अलग लगे आपको, ठीक है? ठीक है, तो अब देखो जरा, अब इक्विवेलेंस क्लासेस का क्या मतलब होता है, ऐसे समझो, इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब है कि जैसे मैंने आपको चित्र से समझाया, चित्र जो बनाया मैंने, इस चित्र को आप अगर देखेंगे तो पहले रिलेशन ले लो, रिलेशन क्या क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन में आ गया वन वन, टू टू और थ्री थ्री है, ये है रिलेशन में, वन वन है, टू टू है और थ्री थ्री है, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, वन थ्री और थ्री वन है, वन थ्री है और थ्री वन है, वन थ्री है और थ्री वन है, वन थ्री और थ्री वन, तो ये भी लिख लेते हैं, वन थ्री और ये हो गया साहब आपका थ्री वन, है ना, क्लियर हो गया? ठीक, अब दो मिनट देखते हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो ऐड होना चाहिए, किसी को आया तो नहीं है, आप ये समझ रहे हैं? आप इसको जरा ध्यान से देखना, तो देखो पहले याद रखो, जो इक्विवेलेंस क्लास निकलती है ना, वो जो सेट में तुम्हारे को जो सेट दिया है उसके तीनों जितने भी एलिमेंट है सभी निकालो, जैसे वन टू थ्री तीन दे रखे ना, तो इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट इसे करते, देखो वन टू और थ्री, ठीक है, समझ गए? अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन सी होंगी, तो देखो वन किससे कनेक्टेड है, वन से कनेक्टेड है, वन किससे कनेक्टेड है, वन से कनेक्टेड है, और वन किससे कनेक्टेड है, थ्री से कनेक्टेड है, तो वन थ्री से भी कनेक्टेड, और किसी से कनेक्टेड है, वन नहीं ना, तो ये होगा आपका वन थ्री, फिर टू को देखो, टू किससे कनेक्टेड है, टू टू से कनेक्टेड है, टू किससे कनेक्टेड है, टू टू से कनेक्टेड है, तो ये टू हो गया, और टू और किसी से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, थ्री देखो, थ्री किससे कनेक्टेड है, थ्री किससे कनेक्टेड है, थ्री वन से कनेक्टेड है, और थ्री किससे कनेक्टेड है, थ्री से कनेक्टेड है, क्लियर हो गया? अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये वन और थ्री, देखो एक ही चीज आ गई ना, वन थ्री और वन थ्री आ गया, समझ रहे हो? हाँ, कॉमन आ गया, इसका मतलब ये है कि भाई या तो वन लिख लो या थ्री लिख लो, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या आ गया, वन थ्री आ गया, क्या आ गया, वन थ्री, तो इसको चाहे वन से रिप्रेजेंट कर लो चाहे थ्री से रिप्रेजेंट कर लो, ऐसा नहीं कि वन से कर सकते हो, थ्री से भी कर सकते हो, तो ये क्या आ गया, वन थ्री, लेकिन माना ये एक ही जाएगा, माना ये एक ही जाएगा, ये दो अलग लगाए लेकिन एक ही है, वैल्यू क्या वन थ्री, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, अरे वन लिख लो चाहे थ्री लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वन से थ्री से, लेकिन वैल्यू कितनी आई दोनों में, इसमें भी वन थ्री आई, इसमें भी वन थ्री, तो ये एक ही इक्विवेलेंस क्लास मानी जाएगी, वन थ्री, यानी क्योंकि वन और थ्री की क्लास इक्विवेलेंस क्लास बराबर आ गई, तो एक मानी जाएगी, और दूसरी कौन सी मानी जाएगी, टू की मानी जाएगी, ये टू, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यानी वन की इक्विवेलेंस क्लास आ गई वन थ्री। अब तुम एक चीज और देखो इसमें कि वन का वन के साथ क्या संबंध है, अरे अगर वन को वन से जोड़ दें तो टू आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है, अरे जैसे ये वन है तो मान लो वन की इक्विवेलेंस क्लास हमने ले ली वन थ्री, है ना, तो देखो वन को अगर वन से जोड़े तो इवन नंबर आ रहा है, और वन को अगर थ्री से जोड़े तो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, और टू की इक्विवेलेंस क्लास क्या आई हमारे पास, टू की इक्विवेलेंस क्लास टू आई, तो यानी टू को टू से जोड़ोगे तो क्या आएगा, फोर, तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, समझ में आ रहा है, टू को टू से जोड़ा क्या आ गया, फोर इवन नंबर आ गया, फोर इवन नंबर आ गया, तो यानी आपके पास दो जो इक्विवेलेंस क्लास आ गई, तो आपका आंसर क्या होगा कि वन की, मान लो पेपर में सिर्फ आपकी वन की इक्विवेलेंस क्लास पूछता है, वन की पूछता है थ्री की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन में आप इसको टिक करोगे, आप टिक करोगे वन कॉमा थ्री को, और अगर वो टू की इक्विवेलेंस क्लास पूछता है तो आप इसको टिक करोगे, आप टिक करोगे टू को। अब देखो ये चीज मैंने तुम्हें चित्र में समझा दी थी, ये चीज मैंने तुम्हें किसमें समझा दी थी, चित्र में समझा दी, देखो वन टू थ्री और वन टू थ्री, तो मैंने क्या कहा था, वन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वन के साथ जुड़ा हुआ है, और वन किसके साथ जुड़ा हुआ था, वन थ्री के साथ जुड़ा हुआ था, तो देखो वन की दो क्लास आई ना, वन और थ्री आई कि नहीं आई, ठीक है, आया, समझ में आया, और देखो टू सिर्फ किससे जुड़ा था, टू किससे जुड़ा था, सिर्फ टू से, टू का क्या आया था, टू, अभी थ्री जो था ये थ्री किससे जुड़ा था, वन से भी जुड़ा था और थ्री थ्री से भी जुड़ा था, मतलब ये वाली बात थी, वन थ्री लिख लो या थ्री वन लिख लो, सेट थ्योरी में तो पता है ना, अरे सेट थ्योरी में वन थ्री और थ्री वन क्या है, दोनों आपस में इक्वल है ना, सेट थ्योरी के किसमें वन थ्री और थ्री वन अलग अलग थोड़ी है, दोनों सेम है, तो यानी थ्री, क्लियर हो गया, इसको कहते हैं सर इक्विवेलेंस क्लास, इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस, इसको हम कहते हैं। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, तब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा इसकी तुमको, अभी एक और एग्जांपल समझो, अगर जरा इस एग्जांपल को अगर आप समझोगे तो तुम्हारे को और बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है, तब इसकी डेफिनेशन भी तभी लिखाएंगे ना, जैसे मान लो ये है, अब इसको थोड़ा सा सेट को बड़ा कर देते हैं, वैसे पहले इसको जनरलाइज करता हूँ, मैं जनरलाइज बता रहा हूँ तुमको, देखो जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ, सीधा ऐसा समझो, जैसे ये है, ये ए बी सी वेरिएबल की ना, उतना नंबर की फॉर्म में एक वेरिएबल में समझ लो, ए बी सी ये है आपके पास, ठीक है, तो अब इसको समझो, जैसे ए जो है ना, मान लो ए का संबंध ए से है, मान लिया ए का संबंध ए से है, और ए का जो संबंध है वो बी से भी है, ए का संबंध बी से भी है, ठीक है, अब बी जो है, अरे बी जो है, बी जो है, बी का संबंध सिर्फ सी से है, मान लिया बी सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, बी जो है सी से जुड़ा हुआ है, और या चलो बी को ए से भी जोड़ लो, बी जो है ए से भी जुड़ा हुआ है, मान लो, और सी जो है बी से भी जुड़ा हुआ है, और सी जो है सी से भी जुड़ा हुआ है ना, ये अब आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा आपका, ये जनरल है ना, ये जनरल बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो देखो ए को मैंने किससे जुड़ा था, ए ए से भी जुड़ा था, और ए किससे भी जुड़ा था, ए जो है बी से भी जुड़ा था, ए बी से भी जुड़ा था, और ए सी से नहीं जुड़ा था ना, ए ए से और ए बी से, फिर बी किससे जुड़ा, बी बी से जुड़ा, और बी किससे जुड़ा, बी ए से जुड़ा, और सी सी किससे जुड़ा, सी किससे जुड़ा, बी से, सी जुड़ा बी से, सी किससे जुड़ा, बी से, और सी जो है किससे जुड़ा, सी से जुड़ा, है ना, सी से, सी से जुड़ा, तो वैसे तो कायदे से देखो ये जनरलाइज है ना, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, अभी मैं वो नहीं चेक कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन वो होगा तभी जब वो चीज़ क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो जैसे ए है इसमें बी भी है और सी सी भी है, तो चलो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक के लिए ए बी भी है और बी ए भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन देखो सी भी है और बी सी नहीं है, यहाँ सी भी है लेकिन बी सी नहीं है, समझ रहे हो, सी भी है और बी सी नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सी को बी से जुड़ा तो बी को भी सी से जोड़ा, बी को सी से जुड़ा तो था मैंने ना, तो बी को मैंने सी से भी तो जोड़ा हुआ है, बी को किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ था, लिखा लिखा नहीं ना शायद, बी सी है ना, ये भी हाँ देखो सी बी और बी सी, तो ए बी, अरे ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू सी, अब ट्रांसिटिव देखो, ट्रांसिटिव बन रहा है, ट्रांसिटिव ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, तो ए रिलेटेड टू ए, ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, है बी रिलेटेड टू सी और ये सी रिलेटेड टू बी, अगर बी रिलेटेड टू सी
और सी रिलेटेड टू बी, तो फिर बी भी चाहिए, तो बी भी है तुम्हारे पास, है बी भी है और भी है कोई रिलेशन और भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मतलब ये तो वैसे मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, मतलब वो होगा अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बगैर इक्विवेलेंस रिलेशन के इक्विवेलेंस क्लास निकल नहीं सकती, वो उसकी प्राइमरी कंडीशन है। जैसे मान लो कि तुम्हें स्कूल में जाना है तो वो जैसे कहते हैं कि भैया अब जैसे नए नियम आ गए कि भैया 6 साल पूरा हो जाएगा 7 साल का तो फर्स्ट में एडमिशन करेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी कि पैदा होते बच्चे को भेज देंगे, तो मतलब वो कंडीशन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही इक्विवेलेंस क्लासेस निकलेंगे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा से ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे ए है तो ए किस किस से जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ए बी से भी जुड़ा हुआ है, और किसी से जुड़ा हुआ है ये नहीं जुड़ा हुआ ना, फिर देखो बी बी किससे जुड़ा हुआ है, ए ए से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ, बस बी किससे जुड़ा हुआ है, बी बी देखो बी जुड़ा हुआ है, बी से बी जुड़ा हुआ है, बी से भी, ए से भी और सी से भी, है ना, है ठीक है, ए ए से जुड़ा हुआ बी से, बस ठीक है। और सी देखो सी किससे जुड़ा हुआ है, सी सी किससे जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है ए से जुड़ा हुआ है, सी 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 ए से नहीं जुड़ा हुआ, सी जुड़ा हुआ बी से और सी से, है सी ए तो सी बी से जुड़ा हुआ है और एक सी सी से जुड़ा हुआ है, एक सी से जुड़ा हुआ है, सी ए से नहीं जुड़ा हुआ, ए से, ए से तो नहीं जुड़ा हुआ ना, नहीं जुड़ा हुआ ना। तो देखो तो यानी आपकी बात देखो, ए की इक्विवेलेंस क्लासेस ये बन गई, बी की इक्विवेलेंस क्लासेस ये बन गई और सी की इक्विवेलेंस क्लासेस ये बन गई, क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं सर इक्विवेलेंस क्लासेस, मतलब उसी रिलेशन के साथ। अब यहां पर तो उतना नहीं, लेकिन यहां पर देखो जैसे इसमें साफ समझ में आ रहा है कि वो उसी रिलेशन के साथ, क्यों, रिलेशन क्या बना चाहिए, जैसे वन की इक्विवेलेंस क्लासेस 1 3 है, तो वन की इक्विवेलेंस क्लासेस 1 3 है, यानी वन में वन जोड़ेंगे तो 2 आएगा, वन में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब वो आपका क्या करेगा, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो रिलेशन उसने क्या कराया ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूँ, इसी में थोड़ा सा पार्टीशन भी बता देता हूँ। पार्टीशन कैसे समझोगे तुम, पार्टीशन अगर समझना है तो इस वैसे समझो, एक रिलेशन और बताता हूँ तुमको, अब इसको देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे यह है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और ये भी हो गया तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5, है ना, ये है। अब यहाँ भी मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो सेट है मेरे पास, सेट है 1 2 3 4 और 5, ये सेट है मेरे पास, तो ये सेट है 1 2 3 4 5। तो मैंने रिलेशन लिया, यहाँ पर रिलेशन से ले लिया मैंने ए प्लस बी, सच दैट ए प्लस बी जो है इवन नंबर आना चाहिए, ए प्लस बी क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो जरा वन किसके साथ जुड़ेगा, वन वन के साथ भी जुड़ेगा, वन किसके साथ, सीधा लिख लेते हैं ना, बनाते नहीं है, क्योंकि वो उसको वो वन वन से जुड़ेगा बोलो, फिर वन किससे जुड़ेगा, वन थ्री से जुड़ेगा, फिर वन किससे जुड़ेगा, वन फाइव, ठीक है, क्योंकि 5 1 6 3 1 4 इवन नंबर, 1 1 2 इवन नंबर। अब टू के लिखो, टू किसके साथ जुड़ेगा, टू टू से जुड़ेगा, टू फोर से जुड़ेगा और फाइव के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक है। फिर थ्री बोलो, थ्री किसके साथ जुड़ेगा, वन के साथ जुड़ेगा, थ्री किसके साथ जुड़ेगा, थ्री के साथ जुड़ेगा और थ्री किसके साथ जुड़ेगा, फाइव के साथ जुड़ेगा, ठीक है। फिर फोर जो है, फोर किसके साथ जुड़ेगा, फोर टू के साथ जुड़ेगा, फोर किसके साथ जुड़ेगा, फोर फोर के साथ, और फोर किसके साथ जुड़ेगा, फाइव के साथ, नहीं फोर फाइव के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। फिर फाइव किसके साथ जुड़ेगा, वन के साथ, फाइव किसके साथ जुड़ेगा, थ्री के साथ और फाइव किसके साथ जुड़ेगा, फाइव, ठीक है। तो ये बनेगा ना, देख लो कोई छूटे ना है, देख लेना कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, लेना, ठीक है। अब मान लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, अब चेक नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इक्विवेलेंस, क्योंकि हम इक्विवेलेंस की क्लास निकाल रहे हैं, तो हमने मान लिया इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो देखो अब इसमें कितने की इक्विवेलेंस क्लास आएगी, 1 की आएगी, 2 की आएगी, 3 की आएगी, 4 की आएगी और 5 की इक्विवेलेंस क्लास आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है इस बार की एलटी में ये क्वेश्चन आएगा, जहां तक मेरा 6th सेंस बोला है, इक्विवेलेंस क्लास इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो 1 देखो, 1 किससे आएगा, 1 1 से जुड़ेगा, ठीक है, 1 किससे जुड़ा, 1 से जुड़ा और 1 किससे जुड़ा, 3 से जुड़ा, ठीक है, और उससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा, 2 किससे जुड़ा है, 2 किससे जुड़ा है, अच्छा 5 से, 5 से, अच्छा 5 से भी है, सॉरी, हां ठीक है, कॉमा 5, ठीक है। 1 जो है, 1 1 से जुड़ा, 1 3 से, 1 5 से। अब 2 किससे जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है और बस 2 से जुड़ा है ना। 3 किससे जुड़ा है, देखो 3 3 1 से जुड़ा है और 3 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है। 4 किससे जुड़ा है, 4 4 जुड़ा है 2 से और 4 4 से जुड़ा है, ठीक है। 5 किससे जुड़ा है साहब, 5 किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है। तो भाई साहब आप एक चीज जरा ध्यान से देखोगे कि ये वाला देखो 1 3 5, 3 वाले का देखो 1 3 5 और 5 वाले का देखो 1 3 5। तो मेरे कहने का तात्पर्य 1 3, इसी में मैंने एग्जांपल दिया 5, इन सब की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ये 1 3 5, है ना, क्लियर हो गया। और 2 के देखो, ये 2 और ये 2 4, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 और 4 का जो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 4। इनका रिप्रेजेंटेटिव एक बना सकते हो आप, जैसे मान लो जैसे 1 3 5 में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है कि 1 को भी करना है, 3 को भी करना है, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वो वैल्यू तो सेम ही लिया, यानी 1 3 5 का एक रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हो। मान लो मैंने 1 रख लिया, 1 3 5 का मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव 1 रख लिया और उसके लिए मैंने बोल दिया 1 3 5, तो मतलब ये 1 की भी है, 1 की भी है, 3 की भी और 5 की भी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, ठीक है। ऐसे 2 और 4 का मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव 2 लिया और ये कितना हो गया, 2 कॉमा 4, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब पार्टीशन समझाना चाह रहा हूँ मैं, पार्टीशन, तो पार्टीशन में क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये 3 अलग अलग आए थे, लेकिन आई ये एक ही ना, ये आया, तो एक पार्टीशन आपका बन जाएगा P1 और एक पार्टीशन आपका बन जाएगा P2, यानी कि इसके 2 ही पार्टीशन हो सकते हैं। इसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं, 2 ही पार्टीशन आपके पास होंगे, कौन कौन सा, एक हो गया ये वाला, कौन सा, एक पार्टीशन हो गया आपके पास 1 3 5 और एक पार्टीशन हो गया आपके पास कौन सा 2 4, यानी 2 पार्टीशन आपके बन गए। तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टीशन भी निकालने को आ जाता है, इक्विवेलेंस क्लासेस से पार्टीशन निकालो, तो पार्टीशन इतने सारे कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते 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 हैं और इसको भी लिख सकते हैं। पार्टीशन जो होते हैं यूनिक होते हैं, यानी जैसे 1 3 5 और 2 4, और एक और गजब की चीज है कि पार्टीशन से आप दोबारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं, पार्टीशन से आप दोबारा क्या बना सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं, पार्टीशन से आप दोबारा क्या बना सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। अब जैसे हमने ऊपर किया था कांड ये वाला, इसके पार्टीशन क्या होंगे, जो ये वाला करता बताओ, इसी 2 पार्टीशन आए थे, एक आया था हमारे पास 1 3, एक पार्टीशन क्या आया था हमारे पास 1 3 और एक पार्टीशन क्या आया था हमारे पास 2, ठीक है, एक पार्टीशन आया हमारे पास 1 3 और एक पार्टीशन आया 2, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है साहब, तो अब मुझे लग रहा है तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लासेस का कंसेप्ट थोड़ा वो क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो आप, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखो आप, डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, क्लियर हो गया। ऑल्सो लेट ए बी एनी
एलिमेंट इन ए देन देन द सेट ऑफ देन द सेट ऑफ ऑल देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर आर रिलेटेड आर रिलेटेड आर रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ठीक है और ये बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस सेट भी बोलते हैं ठीक है ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर विद रिस्पेक्ट टू आर ठीक है अब इसको ऐसा इतनी बड़ी डेफिनेशन डेफिनेशन तो लिखने वाली बात है मतलब तुम समझ गए ना क्या बोला मैंने डेफिनेशन क्या कर रहा है आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन समझ रहे हो जो रिलेशन हमको दे रखा था वो रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर ठीक है जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा था कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 फिर इस पर हमने रिलेशन लिख लिया था कुछ रिलेशन लिख लिया था 1 1 2 2 और 3 3 और जो भी था उसमें है ना लिखा था तब उसमें कहा मैंने नॉन एम्प्टी सेट ए आल्सो लेट ए बी एनी एलिमेंट इन ए अभी सेट के अंदर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया जैसे मान लो 1 लिया ठीक है लेट ए बी एनी एलिमेंट इन ए इस सेट के अंदर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया 1 देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ ए अब वो कह रहा ए के उन एलिमेंट का सेट ए के उन एलिमेंट का सेट जो इसके साथ जुड़े हुए हैं देखो क्या कह रहा देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ ए व्हिच आर आर रिलेटेड टू ए जैसे हमने कहा कि भाई 1 के साथ वो सारे जिनसे वो इवन नंबर बन जाए तो एक 1 हो गया था और एक क्या हो गया था 3 हो गया था ना क्योंकि 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो ये बना रहा था 1 के साथ 3 को जोड़ रहे थे तो ये बना रहा था ठीक है तो ये तो कह रहा हूं देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ ए यानी ए के उन एलिमेंट का सेट ए के उन एलिमेंट का सेट व्हिच आर आर रिलेटेड टू ए जो क्या है आर रिलेटेड का मतलब समझ रहे हो ना उस रिलेशन से उनसे जुड़े हुए हैं जो रिलेशन दे रखा है जैसे यहाँ पर क्या रिलेशन दे रखा था कि ए और बी के बीच में कैसा संबंध था कि ए और बी को जोड़ करके क्या जाना चाहिए था इवन नंबर आ जाना चाहिए था तो वही कह रहा हूँ विच आर आर रिलेटेड टू ए दोज एलिमेंट ऑफ ए यानी देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए ये सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर आर रिलेटेड टू ए सब क्या है आर रिलेटेड टू ए इसके साथ क्या जुड़े हैं आर रिलेटेड टू इस कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट ठीक है उसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं सर इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं क्लियर हो गया ना डेफिनेशन भी क्लियर हो गई क्लियर है कोई डाउट नहीं है डेफिनेशन है ठीक है डेफिनेशन क्या होगा डेफिनेशन तो सीधी सी बात है जब इतने सारे तुमने एग्जांपल समझ लिए इन्हीं एग्जांपल से तो डेफिनेशन बनी है बस उसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया गया बाकी इसलिए मैंने पहले मतलब जब भी पढ़ाओ तुम भी नहीं तुमने भी टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हो तुम लोग तो मेरी बात को विशेष ध्यान रखना टीचर वो सही है जो जनरलाइज से पहले जनरलाइज चीजें जनरलाइज का मतलब होता है जो तुम्हारे आसपास है उससे उसको कॉन्क्रीट पे ले जाओ मतलब जनरलाइज को स्पेसिफिक की तरफ ले जाना चाहिए कई लोग देखा मैंने कि स्पेसिफिक से जनरलाइज करते हैं नहीं मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर आना चाहिए समझ रहे हो ये भी फॉर्मूला है ये क्वेश्चन उसमें आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में कि शिक्षक को आमतौर पर किस धारणा के साथ पढ़ाना चाहिए तो मतलब जो बच्चे के आसपास का ज्ञान है उसको जोड़ते हुए तब उसको रूल बताओ तो वो ज्यादा बेटर है आपने पहले रूल बताया और तब आप उसको एग्जांपल समझा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत आएगा तो इसलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाया अब इस एग्जांपल से आपकी दिमाग की डेफिनेशन क्लियर होगी कि भाई सीधी सी बात है इक्विवेलेंस क्लासेस वो होती है कोई एलिमेंट ए होता है वो भी सेट का एलिमेंट होता है और उसके साथ उसी रिलेशन से जुड़ी हुई जो है जैसे मान लो 2 है तो 2 के साथ साम वाले रिलेशन से जो भी जुड़ा होगा एक ही जुड़ा हुआ है सिर्फ 2 ही जुड़ा हुआ है तो वही आया उसकी इक्विवेलेंस क्लास में ठीक है क्योंकि तो ये 2 इक्विवेलेंस क्लास और फिर ये जो डिफरेंट है इनको क्या बोलते हैं पार्टीशन भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं पार्टीशन भी बोलते हैं 2 मिनट हाँ पार्टीशन की विशेषता होती है कि वो डिस्जॉइंट होते हैं मतलब उनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा ठीक है ना तभी तो अब वही अभी देखो इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसको समझ रहा है एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके यूनियन से फिर वही रिलेशन बनाना चाहिए आपके पास कौन सा जो हमारे पास सेट होता है इक्विवेलेंस क्लासेस से हमारे पास वही अच्छा इसका थोड़ा सा इसका एक चीज और लिख लो जैसे मैंने कहा अगर आपको इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है इसको इक्विवेलेंस क्लास को मैंने इसकी डेफिनेशन तो लिखा ली एस वाई एम बी ओ सी ए एल वाई सिंबॉलिकली इसको अगर लिखना है तो ऐसा लिखोगे आप ए की इक्विवेलेंस क्लास है वो एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब समझ रहे हो ये एक्स किसका एलिमेंट है ए का एलिमेंट है और एक बात होनी चाहिए जो बात जरूरी है कि ए और एक्स भी आपस में उसी रिलेशन से जुड़े हुए होने चाहिए ए और एक्स भी आपस में उसी रिलेशन जैसे मैंने कहा 1 तो 1 का आगे कितना आया 1 और 3 आया तो देखो 1 और ये 3 ये इसके साथ उसी रिलेशन से जुड़े हैं और ये 1 3 भी आपस में उस रिलेशन से जुड़े हैं कि 1 और 3 क्या आएगा हमारा 4 आएगा 1 और 3 क्या आएगा 4 ए एक्स रिलेटेड टू आर दैट इज इसका मतलब है ए रिलेटेड होना चाहिए किसके एक्स के ठीक है या इसको ऐसे लिख सकते हो कैसे ए कोई ज्वाइन कर रहा है क्या मैसेज आ रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वैसे ये ऑनलाइन क्लास का ड्रामा ना इसलिए मेरे को पसंद नहीं आता कि कई बोलते हैं आप कोई बोलेगा मेरे को वीडियो भेज दो अरे यार पढ़ लो लाइव क्लास में पढ़ने का अलग मजा है फिर वीडियो भेज के तो क्या फायदा होता है तब तो वो है कि वैसे ही हो गया वैसे ले लो वीडियो एक्स रिलेटेड टू ए तो ये हो गया साहब आपका ना तो ये इसको सिंबॉलिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना सिंबॉलिकली इसको क्या कर सकते हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अब मैं कुछ चीज़ें 2 चीज़ें और बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग अब इसमें जो है एक चीज़ और है अब एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ आपको कि पेपर में कैसे आता है जैसे इसको ध्यान से समझना है अब जैसे आपने कहा जो पार्टीशन ऑफ अ सेट है तो देखो पार्टीशन मैंने बता दिया ठीक है पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि भैया वो डिफरेंट सेट आपके पास आ जाएंगे ना जैसे आगे थे जो आप इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली तो कई इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते तो आप अलग अलग एलिमेंट के हैं लेकिन वो आती सेम है वो आती सेम है तो भले वो इक्विवेलेंस क्लासेस आपको लग रहा है कि मैंने 1 के अलग निकाली 2 के अलग निकाली 3 के अलग निकाली 4 के अलग निकाली 5 के अलग निकाली लेकिन 1 की 3 की और 5 की अगर सेम आ रही तो एक ही गिनी जाएगी एक ही तो उस एक को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं एक पार्टीशन हो गया और एक पार्टीशन आपका जैसे अभी बताया मैंने आपको कि जैसे इसमें बताया मैंने कितने पार्टीशन हो गए एक पार्टीशन हो गया इसका 1 3 5 और एक पार्टीशन इसका क्या हो गया 2 तो ये 2 पार्टीशन अब पार्टीशन की कुछ विशेषताएं भी होती है ठीक है इन पार्टीशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो उसको भी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझ जाए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ आपको लेट क्वेश्चन है हमारे पास सेट एस सेट ए सॉरी सेट ए इज इक्वल टू देखा आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सेट ए देखा आपको है और रिलेशन आर दे दिया इस पर रिलेशन आर दे दिया 1 1 ठीक है 1 5 2 2 1 1 1 5 2 2 2 3 2 6 3 2 और 3 3 अरे जब अंकित ये ध्यान रखो जब बोलो नहीं तो आपने माइक बंद कर दिया करो नहीं तो थोड़ा क्या होता है आवाज़ आती रहती बार बार 1 1 1 5 1 1 1 5 2 2 2 3 2 6 3 2 3 3 आगे भी आए हैं 3 3 3 6
3, 6, 4, 4, 5, 1, 5, 5, 6, 2, 6, 3 और 6, 6. अब हुआ क्या, सेट ए देखा और ये रिलेशन आ देखा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड, फाइंड क्वेश्चन है पार्टीशन, फाइंड पार टी आई टी आई ओ ओ एन ऑफ ए इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बाय आर, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा हूँ कि सारे पार्टीशन निकालो जो जो बन सकते हैं ना, तो पार्टीशन आपको निकालने हैं। तो मैंने अभी बताया कि पार्टीशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या निकालनी पड़ेगी इसकी, हमको क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल लेते हैं। तो देखो वन टू, हेलो आगे ना आवाज़ अंकित, ठीक है, हाँ ध्यान रखना ना बीच बीच में हाँ ना बोल दिया करो ताकि पता लगे कि तुम जुड़े हो। नहीं तो मैं स्क्रीन पे लिखे जा रहा हूँ, फोर ये फाइव और कितने एलिमेंट है सारे, इसमें सिक्स है। अब बताओ राणा जी, वन किससे जुड़ा है, ऑर्डर किया देखिए बताओ, रिलेशन को देखिए बताओ, वन किससे जुड़ा है, वन जुड़ा हुआ वन से और फाइव से, टू किससे जुड़ा हुआ है, टू टू जुड़ा हुआ है टू से, थ्री से भी जुड़ा हुआ है, थ्री से भी जुड़ा हुआ है और सिक्स से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। थ्री किससे जुड़ा हुआ है देखो, थ्री टू थ्री और सिक्स है, फोर किससे जुड़ा हुआ है देखो, फोर किससे जुड़ा हुआ है, फोर से जुड़ा हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है, तो फोर अकेला ही है, समझ रहे हो। फाइव किससे जुड़ा हुआ है देखो, फाइव जुड़ा हुआ है वन से, फाइव से और बस वन फाइव से, और सिक्स किससे जुड़ा हुआ है, टू से थ्री से और सिक्स से, ठीक है। अब बताओ जैसे पार्टीशन बताओ पहले कितने होंगे, जल्दी बोलो पार्टीशन। अब पहले क्या देखना है, सेम कौन कौन है, जैसे वन का वन फाइव और फाइव का क्या हो गया वन फाइव हो गया, ठीक है। वन का वन फाइव और फाइव का वन फाइव, यानी इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव वन को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं वन को, तो वन का बन गया वन फाइव बन गया, ठीक है। टू देखो तो यहाँ देखो टू थ्री सिक्स और टू थ्री सिक्स, ठीक है। तो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव बना दो, मान लो टू को बना दिया तुमने रिप्रेजेंटेटिव, तीनों बराबर के हैं वो, तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों सब सही हैं, लेकिन तुमने क्या करा, आपने किसी एक को वो बना दिया रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया तो यहाँ आपका टू थ्री और सिक्स आ गया, ठीक है। अब फोर का क्या हो गया साहब, फोर का हो गया आपके पास, फोर ही हो गया। तो भाई तीन पार्टीशन आ गया आपके पास, एक पार्टीशन आ गया आपके पास वन फाइव, ठीक है, एक पार्टीशन आ गया आपके पास टू थ्री सिक्स और एक पार्टीशन आ गया आपके पास फोर, ये पी वन हो गया, ये पी टू हो गया और ये पी थ्री, तो कितने पार्टीशन निकल गए इसके, पी वन पी टू और पी थ्री। अब एक चीज देखो, जो अभी अंकित बोला था कि ये पार्टीशन जो है ना, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, कैसे हैं डिसजॉइंट सेट है, तो ये पार्टीशन की विशेषता होती है कि डिसजॉइंट होते हैं। इनका अगर आप निकालोगे पी वन इंटरसेक्शन पी टू तो आपको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, ठीक है। पी वन इंटरसेक्शन पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री निकालोगे तो क्या निकालोगे, फाइव मिलेगा। तो ये डिसजॉइंट सेट होते हैं, कैसे सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं, ये पार्टीशन क्या होते हैं, डिसजॉइंट। और अगर आप इनका यूनियन कर दो, अगर आप इनका यूनियन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनियन कर दोगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगर इनका यूनियन कर दोगे ना, सारी समझ लो। मान लो आपने क्या करा, P1 यूनियन P2 यूनियन P3, तो करके देखो P1 कितना है हमारे पास 1 5 है, यूनियन 2 मिनट साइड, आई थिंक समबडी ट्राइंग टू बी कनेक्टेड, या मान लो मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब देखो P1 ये हो गया और P2 हो गया 2 3 6 और P3 हो गया साहब आपके पास 4। अब देखो एक सेट बना दो इनकी यूनियन से, तो क्या बनेगा वो सेट, ये बनेगा 1 3 4 5 6। तो दूसरी प्रॉपर्टी, इसे मैंने कहा अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई नहीं थी, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी लिखाई नहीं, ताकि प्रॉपर्टी तुम खुद बना लोगे, डेफिनेशन तुम खुद बना लोगे, जब तुम चीजों को समझ लोगे कि P1 यूनियन P2 यूनियन P3 जो है किसके बराबर हो जाता है, वो सेट के बराबर आ जाता है, जो सेट आपको दे रखा है उसके बराबर, वो जो गिवन सेट आपको दे रखा है उसके बराबर वो हो जाता है उनका यूनियन, ठीक है, जो पार्टीशन है उनका यूनियन। तो ये दो विशेषताएं अगर होंगी तो तब आप कंफर्म कर सकते हो कि हां साहब ये पार्टीशन है, अदरवाइज अगर इससे वो वायलेट कर रही है या इसको मतलब डिसएग्री कर रही है तो तब आपका वो पार्टीशन नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो पार्टीशन हो गया, पार्टीशन की प्रॉपर्टीज हो गई, पार्टीशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है साहब, ये अच्छा टॉपिक है, मैं कह रहा हूं, अगर यहां नहीं तो लेक्चर में, नहीं तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भी तैयारी करो, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है, तो वो आने वाला है उसमें भी, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर लेक्चरर, हां, और उसमें सुनने आ रहा है कि अब सब्जेक्ट होगा पॉलिटेक्निक, तो तब तो बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूं पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही होना चाहिए, स्क्रीनिंग का ड्रामा तो बिगाड़ जीके, जो कि क्या करोगे मैथ्स के टीचर को, जीके थोड़ा बहुत आना चाहिए, वो आ जाता है उसको, लेकिन ये है कि परफेक्शन उसका चेक करना चाहिए, इवन ऐसा कर सकते हैं कि एक बार ऑब्जेक्टिव चेक करें, फिर एक बार थ्योरेटिकल भी चेक करें, इस बच्चे ने तुक्के तो नहीं मारे, और तब अच्छा बच्चा जाएगा, टीचर बनेगा, और टीचर तो मैं कह रहा हूं ऐसा बनना चाहिए भाई जिसके दिलो दिमाग से टीचर हो ना, मतलब सिर्फ नाम का टीचर ना हो, काम का भी टीचर, उसका सोचने का तरीका भी टीचर जैसा हो और सब कुछ टीचर जैसा हो, तब ज्यादा बेटर हो, मैथ्स का टीचर बना तो वो तो भैया उसको जब हर चीज में मैथ्स दिखेगी तभी बन सकता है मैथ्स का टीचर, इतना आसान है मैथ्स का टीचर बनना। अब एक सवाल ये है, इसको समझो ना, कि आपको पार्टीशन से रिलेशन बनाना है, पार्टीशन से रिलेशन बनाना है, पार्टीशन से आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको पार्टीशन दे दूंगा और आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है, पार्टीशन में दे दूंगा आपको और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है कि क्या होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो इसी को चेक कर लेते हैं, जैसे ये देखा तो हमारे पास पार्टीशन आ गए, अब अलग से सवाल लिखूंगा मैं तो टाइम लगेगा। पार्टीशन क्या क्या आ गया हमारे पास, एक पार्टीशन आया हमारे पास वन फाइव, एक पार्टीशन आया पी वन हो गया, एक पार्टीशन आया हमारे पास टू थ्री सिक्स और एक पार्टीशन आया हमारे पास फोर है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये पी वन ये पी टू और ये पी थ्री, तो आपको करना क्या है, देखो पी वन तो पी वन का पी वन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब कई लोग क्या करते हैं, पी वन का पी टू के साथ निकाल देते हैं और फिर पी थ्री के साथ, तो तब लिख देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तो गड़बड़ हो जाएगा। पी वन का पी वन के साथ निकालो तो वन फाइव का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो वन फाइव के साथ है ना, तो क्या क्या मिल जाएगा बोलो, वन वन और वन फाइव, ठीक है, एक फाइव वन और एक फाइव फाइव है ना, ये मिल जाएगा, क्लियर हो गया। अब पी टू का निकालो पी टू के साथ, पी टू का किसके साथ निकालो पी टू के साथ, पी टू कितना है तुम्हारे पास, टू थ्री सिक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है टू थ्री सिक्स के साथ है ना, कितना आ जाएगा ये बोलो, आएगा टू 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 थ्री और टू सिक्स, फिर आएगा थ्री टू थ्री थ्री और थ्री सिक्स, एक आएगा सिक्स टू सिक्स थ्री और सिक्स सिक्स, राइट, ठीक है, ये बन गया आपके पास है ना। अब आपको क्या करना है, एक लास्ट बचा है फोर, ठीक है, बचा है फोर, पी थ्री बचा है, तो पी थ्री का पी थ्री के साथ यानी फोर का कार्टेशियन निकालना फोर, तो कितना आएगा ये फोर फोर आएगा ना, फोर फोर आएगा, ठीक है सर। अब आप क्या करो कि जो आपने ये निकाले, जो आपने ये निकाले इनके से एक सेट बनाओ, आप एक सेट बनाओ, तो वो सेट बनेगा आपका, उसमें वन वन भी आएगा, उसमें वन फाइव भी आएगा, फाइव वन भी आएगा
और 5 5 भी आएगा, ये जो है जो कार्टिजन प्रोडक्ट बनाया आपने, सॉरी 2 2, हाँ सब आएंगे, 2 3 और ये हो गया 2 6, ये आ गया 3 2, कोई रिपीट हो रहा होगा तो वो बता देना, 3 3 3 6 जो रिपीट हो रहा होगा बता देना, 6 2 और 6 3 और 6 6, ठीक है, और ये हो गया आपका 4 4, ये आपका हो गया 4 4, क्लियर हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज कर दो, सिस्टमेटिकली यानी पहले 1 1 लिख लो, फिर 2 2 लिख लो, फिर 3 3 लिख लो, फिर 4 4 लिख लो, देख लो है भी नहीं है, 5 5 लिख लो और 6 6 लिख लो, है 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है, 4 4 है, 4 4 है, 5 5 है, 5 5 है, 6 6 है, 6 6 है, ठीक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको लिखो, ठीक है, अब उसके बाद हैं, अब क्या लिखो, अब कुछ भी लिख लो, क्या दिक्कत है, जैसे मान लो ये लिख लेते हैं पहले 1 5 और 5 1 है ना, टिक करते हो ना, 1 5 और 5 1 लिख लिया, ठीक हो गया, तो 1 5 और 5 1 लिख लिया, फिर 2 3 और 3 2 लिख लो, 2 3 और 3 2 लिख लिया ना, 2 3 और 3 2 लिख लिया, फिर क्या लिखा, 2 6 और 6 2 भी लिख लो, 2 6 और 6 2 भी लिख लो, है ना, फिर 3 6 और 6 3 भी लिख लो, 3 6 और 6 3 भी लिख लो, ठीक है, हो गया। अब ये चेक कर लो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, देख लो होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ना, इनकी वजह से रिफ्लेक्सिव हो गया, इनकी वजह से क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, 1 5 है तो 5 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 2 6 है तो 6 2 है, 3 6 है तो 6 3 है, क्या है, 6 3 है, तो सिमेट्रिक भी है, अब ट्रांसिटिव देखो, 1 5 है 5 1 है तो 1 1 भी है, 2 3 है 3 2 तो है 2 2 भी है, 2 6 है 6 2 है तो 2 2 भी है, 3 6 है 6 3 है तो 3 3 भी है, और भी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको भी चेक कर लो, बहुत सारे सारे ढूंढने पड़ते हैं कॉम्बिनेशन, तो ये आपको क्या हो गया, अगर आपको कभी कभी वो क्या करेगा पेपर में, इतना बड़ा तो देगा, छोटा सा देगा, जैसे इसका देगा, किसका, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था उस रूम में, ये वाला, ये 1 और 2 वाला, ये दो पार्टीशन दे दिया और बोलेगा इससे इक्विवेलेंस रिलेशन बना दो, इसे क्या बना दो, इक्विवेलेंस रिलेशन बना दो, जैसे 1 3 5 और 2 4 दे दिया, 1 3 5 और 2 4 दे दिया, क्या दे दिया, 1 3 5 आपको दिया, 1 3 5 पार्टीशन दे दिया और 2 4 दे दिया, 2 4 ये था ना, और बहुत सारे रिलेशन देगा, 1 2 3 4, यस ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो बोलेगा इसका कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, बहुत सारे दे रखे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो बनेगा वो तुम्हें लिखना है यहाँ पर कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन इसका बनेगा, मतलब समझ रहे हो, जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा वो आपको क्या कर देना है, इसका मेंशन कर देना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका पार्टीशन है, जो आपका पार्टीशन है उससे आप क्या बना सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हो, उससे आप क्या बना सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन भी, पहले इन दोनों का कर दो, 1 3 5 अगर मान लो इसको P1 मान लिया और इसको P2 मान लिया, तो पहले P1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट P1 के साथ और फिर P2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट P2 के साथ, फिर जो बन गया उनको यूनियन करके सेट बना दो, तो वो जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा, चेक कर लेना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सेट का पार्टीशन निकाल सकते हैं, सेट की सॉरी क्या कर सकते हैं, उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास की मदद से पार्टीशन निकाल सकते हैं और पार्टीशन की मदद से दोबारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं, पार्टीशन की मदद से दोबारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं, तो भाई ये चीज ध्यान रखना, जो कल पढ़ाया मैंने क्लोजर, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन और पार्टीशन से फिर इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन से फिर इक्विवेलेंस क्लास, तो याद रखना 2023 के LT जो होगा मैथ्स का उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, उसमें इससे क्वेश्चन मिलेगा, वैसे लेक्चर आप देख लेना, पॉलिटेक्निक देख लेना, ठीक है, जो नया ट्रेंड आ रहा है भाई, वो पुरानी चीजें बदल रहे हैं, उन्हें भी पता है, बच्चे डिकोड कर रहे हैं चीजों को, पिछली बार नहीं पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया भाई, नहीं पढ़ाया था राणा जी, ठीक है, लेकिन इस बार मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पता आ सकता है इस बार, क्लियर है, तो इस तरीके से चीजों को देखेंगे समझेंगे, तो मुझे लगा मैं इसके MCQ क्वेश्चन की आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्या पूरी सीट ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस सीट से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है अगर मैंने कहा कोई वो होगा तो इसका जो है मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 9 8 9 7 5 4 4 3 7 9 है ना, ये मेरा नंबर, डॉक्टर मुकेश नौटियाल, डॉक्टर मुकेश नौटियाल, तो ये है आज का, इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, आज समाप्त करते हैं।